फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनुपम राय और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत दिन बाद NCERT चैप्टर 3 का वीडियो डालने जा रहा हूँ। इसलिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक महीना मिस किया, एक महीना मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं यहाँ से घर गया था, बिहार गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। सो चैप्टर नंबर थ्री क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर थ्री जियोग्राफी का है। इसका है जियोग्राफी का है एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लासिक्स, ठीक है, क्लासिक्स एनसीईआरटी जियोग्राफी। तो देखिए, हम सब तो पहले से जानते हैं अर्थ कितना सारा मूवमेंट करता है। एक ऐसे दे देती है, ये क्या हुआ, ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ। तो अर्थ इधर भी मूवमेंट करता है, ऐसे गोल गोल मूवमेंट भी करता है और अपने एक ही एक्सिस पर ऐसे ऐसे मूवमेंट भी करता है। मतलब एक ही एक्सिस पर भी घूमता है, ऐसे घूमते घूमते सूरज का चक्कर लगाता है वो। तो ये दो मूवमेंट करता है, इन दो मूवमेंट का क्या नाम है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये दोनों क्या होते हैं? रोटेशन मतलब जो अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमता है, अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। उसे रोटेशन और रिवॉल्यूशन, जो सन के चारों तरफ घूमता है। आपको मैं कोई एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे किसी चीज को बनाकर एग्जांपल दे सकता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये एक बोतल है और ये टॉर्च है। मान लीजिए ये टॉर्च है, मान लीजिए कि ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया। अब अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से दिन और रात होता है। देखिए, अब ये क्या हो गया, ये सन हो गया। तो अब देखिए, इस तरफ क्या है, सन है, ये क्या कर रहा है, अपने ही एक्सिस पर घूम रहा है, अपने ही एक्सिस पर गोल 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 घूम रहा है और सन का चक्कर भी लगा रहा है, ऐसे सन का चक्कर भी लगा रहा है और एक्सिस पर घूम भी रहा है, ठीक है, और ये अपने ही एक्सिस पर घूमता है। देखिए, ऐसे घूमता है, अपने एक्सिस पर घूमता है, तो जो पार्ट इधर क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, जिधर लाइट होता है, सन का लाइट पड़ता है उधर दिन हो जाता है, और पीछे की तरफ जहाँ सन का लाइट नहीं पड़ता है उधर रात हो जाता है। फिर जब घूमते घूमते यहाँ आता है तो सन का लाइट फिर से पड़ता है, सन का लाइट यहाँ फिर से पड़ता है, और फिर से पीछे वाला पार्ट जब आगे आता है तो यहाँ दिन होता है, फिर यहाँ रात हो जाता है। ऐसे करके यहाँ अर्थ चलता है। और यहाँ ये देखिए, ऐसे करते 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 जब ये एक रोटेशन फिर से उसी जगह पर आ जाता है तो 365 दिन में, यानी एक साल में पूरा करता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पूरा करता है एक साल में। रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब वो सन के चारों तरफ घूमता है उसे रिवॉल्यूशन, और एक एक्सिस पे घूमता है उसे रोटेशन, ठीक है। हमने पिछले क्लिप में रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझा था, अब इस क्लिप में हम समझेंगे, इस क्लिप में हमें समझना है इल्यूमिनेशन, ऑर्बिट प्लेन और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटेड देखिए अब ऑर्बिट प्लेन क्या होता है ये पहले समझना है। अब देखिए अर्थ का एक एक्सिस होता है कि अर्थ हो गया मतलब अर्थ ऐसे गोल तो होता है, इतना गोल तो नहीं होता है, इतना ज्यादा गोल ज्यादा ऐसे नहीं होता है, लेकिन इसका ऐसे एक्सिस होता है, एक बीच का होता है, एक इधर का होता है और एक नीचे का होता है। तो ये प्लेन ये नीचे वाला ऑर्बिटल प्लेन होता है जहाँ पे धरती घूमता है, जहाँ पे जिस जगह पे वो घूमता है वो उसका ऑर्बिटल प्लेन होता है, ऑर्बिट होता है वो अपने और जिस पाथ पर धरती क्या करता है रिवॉल्यूशन करता है और रिटर्शन करता है, दोनों करता है, उसे पाथ ऑर्बिटल पाथ कहते हैं या फिर प्लेन ऑर्बिट प्लेन कहते हैं, ठीक है। और बीच वाले लाइन को इक्वेटर कहते हैं, ये बताया था। और जो ये दो को डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर साउथर्न हेमिस्फेयर, दो दो हेमिस्फेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखिए इंडिया होता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, ये हो गया साउथर्न हेमिस्फेयर और इंडिया होता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। देखिए ये अफ्रीका होता है इधर, देखिए ये होता है इसका इतना दूर तो ऊपर होता है पर आधा ज्यादातर पार्ट अफ्रीका का क्या कहते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर में होता है और बीच में क्या होता है इक्वेटर होता है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा गर्मी वहाँ इसीलिए पड़ती है। अब देखिए ये सर्कल, एक सर्कल होता है ना, यहाँ पे धरती घूमा, यहाँ पे रात हुआ, यहाँ पे दिन हुआ, यहाँ पे रात हुआ, दिन हुआ, रात, ऐसे क्या एक सर्कल होता है, सन के चारों तरफ सर्कल होता है, धरती के चारों तरफ सर्कल होता है, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटेशन। क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटेशन। और ये सर्कल तब पूरा एक साल के बाद पूरा होता है, अब पूरा होने जा रहा है, जब 5 जनवरी आएगा तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया शुरू होगा, ठीक है। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटेशन कुछ बदलाव भी लगता है, मतलब क्या होता है जब ये आधा आधा पूरा होता है तो वहाँ पे बारिश होता है या गर्मी होता है, जब ये थोड़ा सा शुरू ही होता है तब ठंडी का मौसम होता है क्योंकि वो धरती सन से कुछ इधर चला गया होता है इसलिए। और फिर से लास्ट में, साल के लास्ट में, फर्स्ट में, दोनों बार ठंडी लगता है क्योंकि लास्ट में भी ये सन हुआ, फर्स्ट में ये इधर जाता है और लास्ट में इधर जाता है धरती, इसलिए कुछ सनलाइट बढ़ नहीं पाता है इस पे ठीक से, तो इसीलिए ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेटेशन इतना बदलाव ला सकता है, ठीक है। अब अगले क्लिप में हम और कुछ पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो, अब हम एक क्लिप के बाद आए हैं फिर से और इसमें हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो फैक्ट नंबर 1 है कि क्या होगा अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। ये अर्थ है, ये सन है, ये रिवॉल्व और रोटेट दोनों करना बंद कर दे तो क्या होगा। ये अर्थ का एक साइड जो सन की ओर फेस किया है वहाँ पे हमेशा गर्मी ही रहेगा और दिन ही रहेगा, दिन और गर्मी रहेगा हमेशा। इस तरफ देखिए ये फैक्ट है कि अगर क्या होगा धरती रोटेट करना बंद कर दे तो, ये असल में होगा नहीं क्योंकि धरती रोटेट करना कभी बंद नहीं कर सकता। अगर हम में से किसी को दम भी नहीं है कि हम जाके धरती का रोटेशन बंद कर सकते।
तो देखिए, अगर धरती रोटेट करना बंद कर देगा तो जहाँ पे दिन है वहाँ हमेशा दिन रहेगा, कभी रात नहीं होगा और ज्यादा गर्मी होता रहेगा, और जहाँ पे रात है वहाँ पे लोग बहुत ठंडी से मर रहे होंगे और वहाँ पे कभी दिन होगा ही नहीं, सनलाइट पहुँचेगी नहीं, इसलिए अगर धरती रोटेट करना बंद कर दे तो ये सब परेशानियाँ आ सकती हैं, और तो और एटमॉस्फेयर भी उसका ठीक से नहीं चल पाए, ठीक है, और सब धीरे धीरे उस पे जो लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है, और ये दूसरे प्लैनेट्स के लिए, दूसरे प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए रास्ता रुकेगा, इसलिए ये एक ड्वार्फ प्लैनेट बन सकता है अगर ये रोटेट ना करे, रोटेट और रिवॉल्व ना करे तो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब अर्थ की वजह से, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से जो एक साल बाद दिन आता है, एक साल बाद जो दिन आता है फर्स्ट ईयर का, उसे अर्थ डे कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं, ठीक है, अर्थ डे कहते हैं, ठीक है, वो जो एक दिन को अर्थ डे कहते हैं, या फिर एक साल बाद जो दिन आता है 1 जनवरी को, उसे अर्थ डे कहते हैं, ठीक है, अर्थ डे, अर्थ का डे, अर्थ डे नहीं, अर्थ का अर्थ दिवस नहीं, धरती दिवस नहीं, अर्थ डे मतलब धरती का डे। अब देखिए, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, साल होता है, अगर धरती रिवॉल्यूशन करना बंद कर दे, एक ही जगह पर सिर्फ घूमते रहेगा तो कभी एक साल बीतेगा ही नहीं वहां। अगर धरती यहीं पे घूमते रहे कहीं इधर उधर ना जाए सन के चारों ओर, तो वहाँ एक साल नहीं बीतेगा। टाइड्स जो है ना, वो टाइड्स यहाँ पे ये जो समुद्र की लहरें होती है उन्हें टाइड कहते हैं, इसलिए टाइड्स जो लहरें मारता है समुद्र, वो एक नदी की तरह बन जाएगा, और यहाँ पे अब साल के जैसा कोई नाम नहीं रहेगा अगर धरती जो रिवॉल्व करना बंद कर दे तो, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट बन जाएगा, हम दूसरे प्लैनेट पे जा सकते, ठीक है।